आपने बरसाने की लठमार ओली देखी ही होगी। अब आप देखिए बुंदेलखंड की लठमार दिवाली, जिसमें वीरता का पुट है और यह नृत्य युद्ध कला को दर्शाता है। दीपावली आते ही इसकी चौपालें गांव से लेकर शहरों तक सच चुकी है। यहां प्रत्येक चौपालों पर युवा, वृद्ध और बच्चे अपने अपने हाथों में लाठी डंडों से लेस होकर दिखाई देते हैं। जो लाठियों का अचूक वार करते हुए युद्ध कला को दर्शाने वाले इस नृत्य में दिखाई दे जाएंगे। बुंदेलखंड का परंपरागत लोक नृत्य दिवाली, जिसने न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में अपनी धूम मचा दी है। इसमें जिमनास्टिक की तरह इनके करतब वाकई में अद्भुत है। अलग तरह से बज रही ढोलक की थाप खुद बा खुद लोगों को थिरकने के लिए मजबूर कर देती है। बुंदेलखंड की यह परंपरा गांवों और शहरों सभी जगह उत्साह पूर्वक देखी जा सकती है। अलग वेशभूषा और मजबूत लाठी जब दिवाली लोक नृत्य खेलने वालों के हाथ आती है, तो यह कला बुंदेली सभ्यता परंपरा को मजबूत रूप से प्रकट करती है। इस कला को हर बुंदेली सीखना चाहता है, फिर चाहे बच्चे वह बूढ़ा हो या फिर जवान, क्योंकि इसमें वीरता का पुट होता है। बुंदेलखंड में हर वर्ष दीपावली के दूसरे दिन, जब देश में दिवाली मनाई जाती है, उसके अगले दिन चूंकि कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था, वहीं से ये परंपरा बुंदेलखंड में आई। चूंकि बुंदेलखंड वीर भूमि है, यहाँ के लोगों में उत्साह बहुत ज़्यादा रहता है, तो हर त्यौहार में बुंदेलखंड के लोग अपनी वीरता का प्रदर्शन लाठी डंडे और अन्य कार्यक्रमों से दिखाते हैं। यही हमारा बुंदेलखंड की एक पहचान है। उसी क्रम में ये दिवाली नृत्य हमारे यहाँ बुंदेलखंड के रीवन गांव की दिवाली प्रसिद्ध है। यहाँ के लोग बहुत इसके लिए निपुण हैं और हर वर्ष इसको बड़ी वीरता और साहस के साथ लोग खेलते हैं और प्रदर्शन करते हैं। बुंदेलखंड का दिवाली लोक नृत्य गोवर्धन पर्वत से भी संबंध रखता है। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था, तब ब्रजवासियों ने खुश होकर यह तिवारी नृत्य कर श्री कृष्ण की इंद्र पर विजय का जश्न मनाया था, तथा ब्रज के ग्वाल वाले ने इसे दुश्मन को परास्त करने की सबसे अच्छी कला माना था। इसी कारण इंद्र को श्री कृष्ण की लीला को देख कर परास्त होना पड़ा। मथुरा वृंदावन में ये परंपरा प्रारंभ हुई प्राचीन काल से, और इसमें भगवान श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत को ब्रजवासियों को बचाने के लिए उठाया था भारी वर्षा के बीच, तभी से ये भगवान कृष्ण के आस्था का प्रतीक बन गया और लोगों ने दिवाली नृत्य के माध्यम से अपने जीवन में एक उत्साह भरने के लिए मौन व्रत धारण किया और उस भगवान श्री कृष्ण के प्रति आस्था जो इसमें समाहित है, उससे बुंदेलखंड में मल्हार दिवाली के नाम से इसको जाना जाने लगा। और यहाँ पर बुंदेलखंड के कई कोणों से दिवाली का नृत्य होता है, जिसमें बड़ी लाठी से, छोटे डंडों से, छोटी लकड़ियों से, ये 24, 24 और 48 के ग्रुपों में लोग मल्हार दिवाली का नृत्य करके अपनी आस्था को भगवान श्री कृष्ण में समर्पित करते हैं। बुंदेलखंड में धनतेरस से लेकर दीपावली की दूज तक गांव-गांव में दिवाली नृत्य खेलते नौजवानों की टोलियां घूमती रहती हैं और दिवाली देखने के लिए हजारों की भीड़ जुटती है। दिवाली खेलने वाले लोग इस कला को श्री कृष्ण द्वारा ग्वालों को सिखाए गए आत्मरक्षा की कला मानते हैं। गोवर्धन की पूजा हुई, इंद्र मतलब उनके ऊपर कोप किया, वर्षा किया, तो हम लोगों ने सब मिलके ये मौन धारण कर लिया कि किसी तरीके से हमारा ये वृंदावन हमारा ये वाणी बचे। तब से ये दिवाली, ये जो मल्हार दिवाली है, ये तब से वहीं से चली आ रही है और ये मोर पंख लिए जो मौन धारण किए हैं, ये वहीं से परंपरा चली आ रही है हमारी। लाठी खेलते हैं शुरुअंत में, फिर इसके बाद बुदरिया खेलते हैं, ये बुदरिया है, इसके बाद डंडा खेलते हैं, इतना खेलते हैं। कितने लोग होते हैं, कितना ग्रुप बनाते हैं? हमारे यहाँ कम से कम है 24 आदमी। बुंदेलखंड के हर त्योहारों में वीरता और बहादुरी दर्शाने की पुरानी रवायत है, तभी तो रोशनी के पर्व में भी लाठी डंडों से युद्ध कला को दर्शाते हुए दीपोत्सव मनाने की यह अनूठी परंपरा सिर्फ इसी इलाके की
दीपावली में ही देखने को मिलती है। जनपद के समस्त क्षेत्रवासियों, व्यापारियों, इष्ट मित्रों और अधिकारियों को दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। राम राजा निरंजन, ब्लॉक प्रमुख, बेतवा ग्रुप, जालौन।